नमस्कार। आज हम बनाएंगे आलू के चिप्स। इसके लिए मैंने आलू लिए हैं, धोकर साफ कर लिए हैं। सबसे पहले हम इसको छीलेंगे। देखिए, इस तरह से हम इसको छील लेंगे। ये आलू हमारे छिल गए हैं, अब हम चिप्स काटेंगे। देखिए इस तरह से, ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बहुत अच्छे आ रहे हैं एकदम। ऐसे हम सब इसमें कस लेंगे, इसमें चिप्स निकाल लेंगे मशीन से। और पानी नीचे हमने डाल दिया है जिससे ये काले ना पड़े। ये पानी में डाल के ही निकालना है, पड़े रहेंगे ऐसे नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। सब हमारे चिप्स कट के तैयार हो गए। अब हम इसको दो पानी से इसको पहले अच्छे से धोएंगे, इसका पानी निकाल देंगे। ये देखिए मैंने साफ पानी से इसको धो लिया है, अब बिल्कुल साफ हो गया है। अब हम इसको उबलने रखेंगे। ये देखिए पानी हमारा गर्म हो गया है, और हम इसमें ये सेंधा नमक थोड़ा हमने डाल दिया, और अब हम इसमें अपने ये चिप्स डाल देंगे। इसी तरह से हम अपने सब डाल देंगे, और थोड़ा उबलने तक, इसको पकने तक हम इसको पकाएंगे। ये देखिए ये हमारे उबल के तैयार हो गए हैं। इस तरह से हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए इस तरह से, देखिए बिल्कुल टूट रहा है ये। हम इसको गैस को बंद कर देंगे और नीचे उतार लेंगे, इसका पानी निकाल देंगे। ये देखिए मैंने इनको गर्म पानी से निकाल लिया है, और हम इसको पॉलीथिन पर एक एक करके अलग अलग करके डालेंगे। ये देखिए मैंने सभी चिप्स को सूखने के लिए डाल दिया है। एक दिन की धूप में ये सूख जाएंगे, तो हम सूख जाएंगे तब आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारे चिप्स सूख गए हैं, बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, एकदम सफ़ेद बने हैं। आप भी बनाइए और कमेंट करिए कि आपको कैसे लगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। नमस्कार।